रायबरेली से खबर आ रही है सामने। आपको बता दी कि दीपावली के पर्व को लेकर संभागीय विभाग पूरी तरह से हुआ अलर्ट। आपको बता दी कि सड़कों पर चलाए गए चेकिंग अभियान, एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान, जिले भर में चलाया गया चेकिंग अभियान। एक दर्जन से अधिक गाड़ियों को किया गया सील, दो दर्जन गाड़ियों का किया गया चालान। ओवरलोडिंग समेत भारी सामान को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान। तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से परिवहन विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हो गया है और सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चला रहा है। वहीं आइए जानते हैं एआरटीओ प्रवर्तन मनोज कुमार सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में दीपावली में सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यात्री वाहनों की चेकिंग की जा रही है और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी वाहन में अनधिकृत रूप से जो माल है वो लेकर के ना लोग जा पाए और अनधिकृत रूप से उसका संचालन न होने पाए। ऐसे वाहन जिनमें प्रपत्र पूर्ण नहीं है या ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, उन वाहनों को रोका जा रहा है। प्रयास ये है कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात सुगम बना रहे, किसी को असुविधा ना हो। अब तक कितनी गाड़ियों के पर कार्रवाई की गई है? देखिए, सुबह से क्या इनफैक्ट हम लोग तो प्रतिदिन करते हैं। कल रात में हम लोगों ने अभियान चलाया था ड्रंक एंड ड्राइविंग का, इसमें से लगभग 50 वाहनों पर हमने खासकर बसों को टारगेट किया था, क्योंकि बसों की ये शिकायत मिल रही थी कि नशे की हालत में लोग वाहन चला रहे हैं, उसकी चेकिंग की गई थी। अभी सुबह से एक दर्जन से ज़्यादा वाहन सीज किए गए हैं और लगभग 2 दर्जन वाहनों का चालान हुआ है।